प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने 3 मार्च को जनपद में होने वाले मतदान के लिए किया अपील। कहा 3 मार्च को सभी नागरिक अपने घरों से निकलकर बढ़ चढ़कर जरूर करें मतदान, देश को बनाए मजबूत। जनपद के 9 विधानसभा में 4 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक विभिन्न दलों के कुल 18 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। संभावित प्रत्याशी या उनके एजेंट ने खरीदा 168 फार्म। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। जनपद में सोमवार को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खोला गया कक्षा 9 से ऊपर तक के सभी विद्यालयों को। जिलाधिकारी ने कहा छात्रों की कोविड की वजह से रुकी अधूरी पढ़ाई को पूरा करवाने के लिए सभी विद्यालय को दिया गया है निर्देश। भाजपा के चिल्लूपार विधानसभा के प्रत्याशी राजेश त्रिपाठी और सहजनवा विधानसभा के प्रत्याशी प्रदीप शुक्ला ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर विधानसभा चुनाव के लिए किया नामांकन। कहा चुनाव जीतने पर भाजपा सरकार में रुके अधूरे कार्यों को पूरा करने की होगी पहली प्राथमिकता। सपा से खजनी विधानसभा से प्रत्याशी रूपावती बेलदार और बसपा से चिल्लूपार विधानसभा से राजेंद्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह सहित अन्य दलों के प्रत्याशियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर किया नामांकन। कहा जनता को मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाना ही होगा पहली प्राथमिकता। सोमवार को विद्यालय खुलने पर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने महानगर के विभिन्न चौराहों का किया निरीक्षण। जाम की स्थिति का लिया जायजा। ड्यूटी पर लगे पुलिस कर्मियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। विधानसभा चुनाव के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में चल रहे नामांकन के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था का किया गया है पुख्ता इंतजाम। एसपी सिटी ने कहा जनपद पुलिस के साथ पीएससी की लगाई गई है एक कंपनी। शासन के द्वारा भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर 2 दिन के घोषित राजकीय शोक का कराया जा रहा है पालन। मुख्यालय पर लगे तिरंगे झंडे को झुकाया गया आधा। ऑपरेशन हंट के तहत 25,000 रुपए का इनामिया भूमाफिया ओम प्रकाश पांडे को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। विधानसभा चुनाव में ड्यूटी पर लगे मतदान अधिकारी द्वितीय का प्रशिक्षण डीडीयू विश्वविद्यालय में हुआ प्रारंभ। जिला अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा मतदान अधिकारियों को ईवीएम मशीन के संचालन सहित दी जा रही है विस्तृत जानकारी। सोमवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 339 केंद्रों पर 23,136 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 5,268 लोग तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 16,952 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा ज्यादा से ज्यादा लोग कराएं टीकाकरण, कोविड प्रोटोकॉल का करें पालन, लगाएं मास्क, करें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। गोरखपुर में सोमवार को पाए गए 30 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में अब एक्टिव केस की संख्या हुई 639। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि। और गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी का सस्पेंस हुआ खत्म। भाजपा ने ग्रामीण विधायक विपिन सिंह को पुनः बनाया प्रत्याशी। ग्रामीण विधायक ने जीत के लिए बाबा गुरु गोरक्षनाथ का लिया आशीर्वाद। कहा भारी मतों से लहरेगा भारतीय जनता पार्टी का परचम।